महाराष्ट्र में बन गई इंडिया की बात, सीट शेयरिंग हुई फाइनल, 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव को मिली 20, कांग्रेस लड़ेगी 18 पर और 10 सीटों पर शरद पवार उतारेंगे प्रत्याशी। महाराष्ट्र में इंडिया की तीन पार्टियों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। राज्य के 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस की 18 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिली है। तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी अलायंस के तहत महाराष्ट्र में साथ हैं। सूत्रों की माने तो रीजनल पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए को शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से से 2 सीटें मिलेंगी। वीबीए ने पहले 5 सीटों की मांग की थी। इसके अलावा निर्दलीय राजू शेट्टी को शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिलेगा। सीट शेयरिंग को लेकर 1-2 दिन में आधिकारिक तौर पर घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि मुंबई की 4 सीटों पर शिवसेना अपने उम्मीदवार उतारेगी। मुंबई की 6 सीटों पर कांग्रेस और उद्धव के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। इस सिलसिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 22 फरवरी को उद्धव ठाकरे से बातचीत भी की थी। कांग्रेस मुंबई की 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। इसमें मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल और मुंबई नॉर्थ वेस्ट शामिल है। हालांकि उद्धव ने मुंबई की 4 सीट मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल अपने लिए मांगी थी। दोनों पार्टियों के बीच किन किन सीटों पर सहमति बनी है ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। शिवसेना 2019 में अविभाजित थी। 2019 के चुनावों में 48 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 18 पर जीत हासिल की थी, लेकिन उस समय उसका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। इस दौरान मुंबई की 3 सीटें शामिल थी। आपको बता दें कि 2019 में शिवसेना और भाजपा का 25 साल पुराना साथ टूटा था, जो 2024 में भी जारी रहेगा और दोनों पार्टियां अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। स्पेशल डेस्क से राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।